नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में, जहां हम आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गार्गी पुरस्कार योजना के और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास छात्रा और 12वीं पास छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो सरकार की तरफ से दी जाती है। दोस्तों इस योजना में 10वीं पास छात्रा को 3000 रुपये की राशि और 12वीं पास छात्रा को 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में दोस्तों कोई भी छात्रा अप्लाई कर सकती है। दोस्तों इस योजना में पंजीकृत होने की लास्ट डेट 29 जनवरी है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि इस योजना में अप्लाई कैसे करें, इस योजना का लाभ कैसे लें, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीका बता दूंगा, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी तरीका बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों आप इस योजना से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जान लें, ताकि सभी जान सके इस योजना के लिए कौन कौन सी छात्राएं इसके लिए इस योजना के लिए एलिजिबल है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, दोस्तों जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है जो वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के द्वारा दिया जाता है, जो सरकार की तरफ से ही चलाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 10वीं क्लास के दिशा निर्देश बता देता हूं, बाद में मैं आपको 12वीं क्लास का दिशा निर्देश बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, फॉर्म वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 हेतु 2019-20 में आवेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पे एक नंबर पॉइंट दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी प्रवेशिका एवं मॉडल स्कूल परीक्षा 2019 में 75% व इससे अधिक प्राप्त करने वाली बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगी। दोस्तों दो नंबर पॉइंट है इसका, पुरस्कार हेतु छात्र कक्षा में 11वें नियमित अध्ययनतरण रहने पर ही पुरस्कार देगा, मतलब दोस्तों 11वीं क्लास में उसका एडमिशन होना अनिवार्य, वरना इसको नहीं मिलेगा। अगर किसी ने 10वीं क्लास करके और 11वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दिया तो उसको इस पुरस्कार का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, वर्तमान में छात्रा विश्वविद्यालय में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत है, उसे उस संस्था प्रदान का नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा। पुरस्कार राशि हुए बालिकाओं को बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, इस हेतु बैंक पासबुक की फोटो प्रति स्कैन पर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में बालिका स्वयं के बैंक खाते का विवरण देना होगा। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नहीं है तो उसके प्राप्तांक 75% या उससे अधिक है तो ऐसी बालिकाएं भी पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकेगी, इस हेतु अंक तालिका स्कैन करके अपलोड करनी होगी। दोस्तों आवेदन पत्र में ब्लॉक पंचायत समिति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी SCBO कार्यालय में संपर्क करें। पुरस्कार राशि 3000 रुपये देंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों आप ईमेल एड्रेस razbalikas@gmail.com पर किया जा सकता है। दोस्तों अभी हम पे 12 क्लास के जो दिशा निर्देश है वो 12 क्लास के दिशा निर्देश में आपको बताने वाला, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान यहाँ पे देर का दोस्तों बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 12 कक्षा है तो 2019-2020 में आवेदन है तो आवश्यक दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है एक नंबर पॉइंट दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगी। पुरस्कार राशि बालिकाओं को बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, इस हेतु बैंक पासबुक की फोटो प्रति स्कैन पर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में बालिका स्वयं के बैंक खाते का विवरण देना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नहीं है तथा उसके प्राप्तांक 75% से अधिक है तो ऐसी बालिका भी पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकेगी, इस हेतु अंक तालिका की फोटो प्रति स्कैन पर स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में ब्लॉक पंचायत समिति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी SCBO कार्यालय में संपर्क करें। पुरस्कार राशि 5000 रुपये देंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों razbalikas@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि 10वीं क्लास की लड़कियों को 3000 रुपये की राशि दी जाती है और 12वीं क्लास की लड़कियों को 5000 रुपये की राशि दी जाती है। अब दोस्तों सवाल यह था इसमें आवेदन कैसे करें, तो दोस्तों मैं दोनों आवेदन बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन तरीका भी बताऊंगा, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको भी ऑफलाइन भी तरीका बता दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करना बता रहा हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन आवेदन कैसे करते हैं। और दूसरा जो लिंक है जो कक्षा 12 के लिए है, जो 12 पास आउट करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए यहां से आवेदन करना होगा। तो चलिए हम मैं किसी एक लिंक पर क्लिक करता हूं और आपको आवेदन करने का तरीका आपको बताता हूं। दोनों की प्रोसेस सेम ही है, केवल कक्षा है वो
चेंज होगी। तो मैं यहाँ कक्षा 12 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहा हूँ, तो कक्षा 12 पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ध्यान रहे साथियों, यहाँ कक्षा 12 के लिए जो गार्गी पुरस्कार है इसको बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता है, ये गार्गी पुरस्कार के नाम से नहीं जाना जाता है, कक्षा 12 के लिए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जो साथी कक्षा 10 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चिंता न करें, जैसे साथियों ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दो तीन ऑप्शन है, सबसे पहले छात्रा का नाम आपको यहाँ लिखना है जो मार्कशीट में हो, उसके बाद रोल नंबर लिखने हैं कक्षा 12वीं के, यदि कक्षा 10 के हैं तो 10 के रोल नंबर लिखने हैं, लेकिन मैं यहाँ 12वीं वाले छात्राओं के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं 12वीं का लिखूंगा। और 10वीं वाले के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ 12 की जगह 10 आ जाएगा, तो आपको यहाँ 10 का डालना है, ठीक है। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस पर ओटीपी आएगी। और साथियों ध्यान रहे, जैसे आप ये रोल नंबर यहाँ डालोगे तो ये पहले वेरिफिकेशन करेगा, अगर मान लीजिए वेरिफिकेशन सही नहीं हो रहा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से जो प्रमाणीकरण का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, तो साथियों ये इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ डालनी है। ये देखिए साथियों ओटीपी का जो ऑप्शन है ये आ गया है, यहाँ पर आपको वो ओटीपी डालनी है। ओटीपी डालने के बाद साथियों आपको यहां ओटीपी प्रमाणीकृत करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए साथियों यहां पर कुछ ऑप्शन यहां आ रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो विद्यालय का प्रकार आ रहा है, यानी छात्रा ने कौन से विद्यालय से कक्षा 12 है वो पास की है, गवर्नमेंट से की है, प्राइवेट से की है या फिर संस्कृत से की है, तो जो भी विद्यालय है उस विद्यालय को आपको सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद जिला कौन सा है वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर जिले के अंदर ब्लॉक कौन सा आता है वो ब्लॉक आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। चलिए फिर विद्यालय का नाम क्या है, यहाँ से आपको ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएंगे, तो विद्यालय का नाम यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए अल्फाबेट के हिसाब से, या फिर धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करके भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद साथियों यहाँ छात्रा का नाम आपको यहाँ डालना है। देखिए यहाँ पर सभी छात्राओं के नाम आगे, जैसे ही हमने स्कूल को सिलेक्ट किया, स्कूल को सिलेक्ट करते ही कक्षा 12वीं के अंदर या फिर कक्षा 10 के अंदर जिन छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा दी उन सभी छात्राओं के नाम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर भी अगर यहाँ नाम नहीं है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए साथियों यहाँ अगर आपको किसी छात्रा का नाम मिल जाता है तो ठीक है, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो देखिए नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रखा है यहाँ, चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, स्टूडेंट नेम नोट एग्जिट, यानी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नहीं मिला, इसको आपको सिलेक्ट करना है और फिर नीचे आप स्टूडेंट का नाम आप यहाँ से लिख सकते हो। लेकिन मैं जिस छात्रा का फॉर्म भर रहा हूँ उसका ऑलरेडी नाम मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर उसी छात्रा का नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद उसके फादर का नाम आपको ऑटोमेटिक यहाँ मिल जाएगा, माता का नाम है यहाँ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसके बाद छात्रा की जो श्रेणी है साथियों वो श्रेणी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म में भरा है तब ये आ जाएगी, इसी तरह से बोर्ड का फॉर्म जो भरा है उसी से ये आ जाएगी। इसके बाद उसके रोल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वर्ष कौन सा था ये वर्ष ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितने हैं और इसकी जन्मतिथि कितनी है, तो साथियों जन्मतिथि आपको यहाँ मैनुअली डालनी पड़ेगी। इसके बाद साथियों आपको कॉलेज का विवरण आगे यहाँ भरना है, क्योंकि अपन कक्षा 12वीं की छात्रा का ये आवेदन कर रहे हैं इसलिए कॉलेज का विवरण हमें यहाँ डालना है। अब कॉलेज का प्रकार सबसे पहले आपको चूज करना है कि कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। फिर कॉलेज का नाम आपको यहाँ साथियों डालना, बिल्कुल सही सही नाम आपको यहाँ डालना है। इसके बाद नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ डालनी है, और ध्यान रहे साथियों बैंक अकाउंट है वो उस बालिका के नाम से ही होना चाहिए, उसके माता पिता या गार्जियन के नाम से नहीं होना चाहिए, वरना पुरस्कार की राशि वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ साथियों सबसे पहले उस बैंक के आईएफएससी कोड आपको यहाँ डालने हैं, इसके बाद जो बैंक का नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, जैसे ये आईएफएससी कोड आप यहाँ डालोगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद उस बैंक की शाखा है वो आपको यहाँ डालना है कि वो बैंक कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद साथियों बैंक की खाता संख्या आपको यहाँ डालना है, ध्यान रहे कि खाता संख्या और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही सही डालें, क्योंकि डायरेक्टली ये जो पैसे हैं बालिका के खाते में आने वाले हैं, नाम ऑटोमेटिक ये पहले से ही आ जाएगा। अब साथियों नीचे बात करें तो देखिए नीचे यहाँ पर उस पासबुक की जो कॉपी है वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ पर आप जो खाली चेक है कैंसिल करके वो भी आप यहां अपलोड कर सकते हैं। तो यहां चॉइस करने के बाद साथियों आपको नीचे अपलोड पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही आप यहां अपलोड करोगे तो ये अपलोड हो जाएगी, यदि इसकी केबी में साइज सही रहेगी तो मैक्सिमम जो केबी है साथियों इसकी 20 केबी होनी चाहिए, 20 केबी से अगर ज्यादा होगा तो ये कॉपी है अपलोड नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ये बिल्कुल सही है केबी के हिसाब से तो आप नीचे देख सकते हो, नीचे आया कि सक्सेस पासबुक अपलोड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली अपलोड
हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। अब ध्यान रहे, फाइनली सबमिट करने से पहले साथियों एक बार डिटेल है उसकी पूरी तरह से आप चेक कर लीजिए, हमने जो ऊपर भरा है क्या वो फॉर्म सही है, क्योंकि इसे एक बार भरने के बाद आप दोबारा इसे नहीं भर सकते, ना ही इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं और ना ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। एक ही रोल नंबर के दो बार आवेदन ये नहीं होंगे, क्योंकि फिलहाल के इंस्ट्रक्शन ये हैं। आगे इसमें अगर कोई अपडेट होता वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है साथियों वो चेक कर ले, विद्यालय का नाम है, छात्रा का नाम है, माता पिता का नाम है, रोल नंबर है, सब कुछ आप कर लीजिए। अगर आप पूरी तरह से वेरीफाई हो जाओ और वेरीफाई होने के बाद साथियों आपको फाइनली सबमिट करना है। तो चलिए साथियों इस फॉर्म को मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूं। फाइनली सबमिट पे क्लिक करता हूं। सबमिट करने के बाद साथियों आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो जाएगी, और जब एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएंगे इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया है। और ये एप्लीकेशन नंबर साथियों आपको मोबाइल पर SMS के द्वारा भी आ जाएंगे। इस एप्लीकेशन नंबर को भविष्य के लिए संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी जब हमें अपने फॉर्म का जो स्टेटस है वो देखना है। तो देखिए साथियों एक बार अपन इस एप्लीकेशन को यहां से अपन कॉपी कर लेते हैं, इसका क्यों जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं बता देता हूं। चलिए यहां से इसको मैंने क्लोज किया, फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद साथियों आप इसको प्रिंट कर सकते हो और प्रिंट आपको करना भी है। तो चलिए देखिए नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहां आया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी, जो आपने अभी अपलोड किया है, जो भी डाटा इसमें फीड किया है वो सारी आपको यहां दिखाई देंगे। ये करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए प्रिंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर मोबाइल में कैसे भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस प्रकार का एक फॉर्म होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों सबसे पहले ऊपर आपको फॉर्म में छात्रा की डिटेल डालनी है, नीचे संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र है यानी जहाँ पर वर्तमान में छात्रा अध्ययन करिए उस संस्था प्रधान की मोहर या हस्ताक्षर करवानी होगी। इतनी जानकारी आप इसमें भरकर आपको जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी या जमा करवाना होगा ये फॉर्म भर के। नीचे वाला प्राप्त रसीद वाला खाली है ऑप्शन, वो खाली छोड़ देना, क्योंकि दोस्तों ये जो प्राप्त रसीद है पीछे किसा वो आपको जब इनाम की राशि प्राप्त होगी तब आपको वापस दिया जाएगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारी बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, योजना एक्सप्रेस के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके।